ई गवर्नन्स क्षेत्रीय परिषदेमध्ये उपस्थित केंद्र सरकारचे DARPGचे सेक्रेटरी वी श्रीनिवासनजी, आमचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तवजी, ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक मॅडम, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पराग जैन, ॲडिशनल सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अमरनाथ जी, सर्व मान्यवर समोर आमचे स्वाधीन क्षत्रिय जी आहेत, भक्ती जी आहेत, सुरेश जी आहेत, जैन जी आहेत आणि सर्व मान्यवर, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि एक महीने पहले हम लोगों ने एक बैठक ली थी और उसमें तय किया था इस ई गवर्नेंस विभाग में हम ऐसा कुछ करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसका फायदा पूरे देश को हो, सभी राज्यों को हो। और एक महीने के भीतर ही ये आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हमारे महाराष्ट्र शासन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। नेशनल और स्टेट के संगठनों को आपने इस परिषद के माध्यम से एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, इसका हमें सभी लोगों को समाधान है और आनंद भी है, खुशी भी है कि इस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ई गवर्नेंस, सुशासन आदि विषयों पर सिर्फ चर्चा नहीं होगी बल्कि यहाँ पर हमें ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलेंगे और एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा। आइडियाज़ को शेयर, यहाँ पर एक दूसरे को शेयरिंग होगी और इसका लाभ सभी राज्यों को होगा। यहाँ पर 30 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं और यूनियन टेरिटरी के लोग हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन, और जब प्रशासन की बात आती है तो उसमें अधिकारों की बात आती है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो उस वक्त भी प्रांतीय, प्रादेशिक और जिला प्रशासन की सिस्टम थी। पूरे प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि वे कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने ठोस सिद्धांतों के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था विकसित की थी और इसीलिए वे एक निरंकुश सम्राट के बजाय लोक कल्याणकारी शासक के रूप में बहुत ही परिचित, लोकप्रिय थे और हमारे सामने उनका जो इतिहास है और आज भी यही सिद्धांत हमारे देश के प्रशासन का केंद्र बिंदु है। हम सब जानते हैं ब्रिटिश राज में लोकल और रीजनल प्रशासन का विकास हुआ, संसदीय शासन और संघीय ढांचा ब्रिटिशों के लिए एक विरासत थी, लेकिन ब्रिटिश काल में अपने देश का प्रशासन लोकहित के लिए कम और इंग्लैंड में बैठे स्वामियों के लिए हित में ज़्यादा था, यह हमें सबको पता है। स्वतंत्रता के पहले पुलिस राज था, स्वतंत्रता के बाद जनहितकारी प्रशासन हमारे व्यवस्था का आधार बन गया, लोगों के सहभाग को महत्व प्राप्त हुआ।
पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ही महत्व आया और आज पब्लिक पार्टिसिपेशन यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मंत्र बन चुका है। आज जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन यह सब तभी सफल होगा जब लोगों का, जनता का पूरा सहभाग इसमें हमें मिलेगा। और इसलिए हमें, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। ई गवर्नेंस से हमें स्पीड तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन केवल स्पीड से भी काम नहीं चलेगा। सामान्य लोगों के जीवन में समाधान और खुशी मिले, उन्हें न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था हम आज के गवर्नेंस में चाहते हैं और इसकी ये शुरुआत है, ऐसा मैं कहूँगा। मैंने हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली का रिव्यू भी लिया है। सभी सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल से हम ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे राज्य के सभी दफ्तरों में स्पीड से काम हो जाएगा और पेपरलेस भी हो जाएगा। और जो लोगों के मन में जो भाव है कि सरकारी काम जल्दी होता नहीं, फाइल का बहुत प्रवास बहुत दिन चलते रहता है और इससे बहुत ही एक अंजाम के रूप में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ई ऑफिस का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो फाइलें और डॉक्यूमेंट्स स्मार्टफोन पर भी देख के और स्वीकृत किए जा सकते हैं। अभी हमारे प्रेजेंटेशन में भी उसका अनुभव आपने लिया है। अभी मेरे पास या हमारे मंत्री महोदय जी के पास आने वाली फाइलें 8 अलग अलग लेवल से घूमती हुई आती है। इससे निर्णय लेने में भी देरी होती है, लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहाँ भी फाइलें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेवल्स पर भेजने का निर्णय लिया है। वैसे निर्देश भी हम लोगों ने दिए हुए हैं। महाराष्ट्र में 450 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है, उससे भी बढ़ाने की कोशिश हमारी शुरू है और निश्चित रूप से उसमें भी हमें सक्सेस मिलेगा। हम किसानों को मुआवजा या इंसेंटिव, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करके देते हैं, वो भी हमारा निर्णय है, उसको लागू भी है। मेरे ख्याल से जब हमें जो किसानों को मुआवजा 50,000 वाली हमारे जो निर्णय हुआ, एक ही दिन में मेरे ख्याल से 6 लाख लोगों को हम लोगों ने एक ही क्लिक पर पैसे उनके खाते में जमा किए, 2,500 करोड़ रुपए। एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए हम नैसर्गिक आपत्ति का परीक्षण या क्रॉप सर्वे करें, इससे एक परफेक्ट और क्लीन पिक्चर हमारे सामने आए, एक्यूरेसी बढ़े और कोई भी उसमें दुविधा नहीं आए, इसलिए भी हमारी कोशिश शुरू है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉमन पब्लिक को उनकी शिकायत का सुझाव या निवेदन पर क्या और कौन कार्रवाई कर रहा है, इसका टाइम टू टाइम मतलब रियल टाइम अपडेट नहीं मिलता है। इसलिए हम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू देखिल करने की सोच में हैं और इन शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। शिकायतों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए एक अलग सा डैशबोर्ड बनाया जाएगा। बराबर है ना मैडम, अपन करते हैं ना। महाराष्ट्र में अलग अलग विभागों में 75,000 वैकेंट पोस्ट भरने के लिए भी हमारी सरकार ने IBPS, TCS जैसे कंपनियों से टाइप किया है ताकि ये भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये भी हमारा काम शुरू है, इसे ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाएगा और ये लोगों को फायदा हो जाएगा।
गुड गवर्नेंस में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। हम चाहते हैं कि और भी सब स्टेट जो है एक दूसरे का फायदा आज की इस परिषद का हो, और आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, उनका जो निर्णय है, उनकी जो अपेक्षा है, उसे हम सभी लोगों तक पहुंचाएं। सुशासन का अंतिम लक्ष्य आम लोगों के लिए उनका रोज की जिंदगी को आसान बनाना है। यहाँ पूरे देश से आप जैसे एफिशिएंट और नॉलेजेबल ऑफिसर्स आए हैं, और कई लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिन यहाँ हम ई गवर्नेंस के प्रति अलग अलग मॉडल्स देखने वाले हैं, एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के से आइडिया शेयरिंग कर कर। हम यहाँ से जाएंगे तब आपके अपने अपने प्रांतों में आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर सिस्टम्स बनाएंगे, और उस सिस्टम का फायदा अपने अपने राज्य के लोगों को होगा, अपने अपने राज्य की जनता को होगा। यही इसका, इस परिषद का सही मायने में मकसद है। सिटीजन सेंट्रिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए नए डिजिटल उपकरण और प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को हम एफिशिएंट इफेक्टिव सेवा दे सकते हैं। ये भी इसी का उद्देश्य है। इस देश में, हमारे भारत में, तकनीकी दशक वाले दृष्टिकोण को सशक्त और व्यापक रूप से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर साकार किया जा सकता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी हम लोगों ने देखा है, सुना है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का मंत्र दिया है। इस दिशा में हमें काम करना है, और मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम दुनिया का सबसे बढ़िया नागरिक केंद्रित ई गवर्नेंस मॉडल बनाएंगे। ऐसे सभी लोगों की कोशिश होनी चाहिए। G20 हमारे देश को प्रेसिडेंटशिप मिली है, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है, और देश की प्रगति और विकास दुनिया के नज़र में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसीलिए तो हमें G20 का प्रेसिडेंटशिप मिला है, और हमारे पूरे देशवासियों के लिए ये गौरव की बात है। हमारे महाराष्ट्र को भी मौका दिया है प्रधानमंत्री जी ने, अन्य कई स्टेट हैं उनको भी मौका मिला है। महाराष्ट्र में भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे राज्य का ब्रांडिंग है, शोकेसिंग है, ये करने का मौका भी ये G20 के माध्यम से हमें मिला है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते दावोस भी गया था, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। वहाँ पर भी देखने को मिला कि हमारे देश के प्रति बहुत ही सम्मान और आदर दिखाई पड़ा। कई देशों के प्रमुख लोग थे, कई देशों के मान्यवर लोग थे वहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे देश के बारे में एक विश्वास उनके मन में दिखाई पड़ा। और महाराष्ट्र में भी 1,55,55,000 करोड़ के MOUs साइन हुए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको कहा था, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, ऐसे सभी जो चीज़ें हैं, आवश्यक बातें हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हमारे पास है। और निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर MOU साइन भी हुए। कई लोग मुझे मिले वहाँ पर, उन्होंने कहा भी हम मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर आपके साथ काम करेंगे, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। कई अन्य राज्यों के लोग भी थे, उनके यहाँ भी उन्होंने भी अच्छी कोशिश की, और हमारे देश की तरफ से वहाँ पर दुनिया में क्लाइमेट चेंज की भी एक बहुत बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है, और मैंने वहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, हमारे महाराष्ट्र में क्या इनिशिएटिव लिया है ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ये भी हमारी बात रखने का मौका भी मुझे वहाँ पर मिला। और इसलिए सभी जो हम ये जो परिषद यहाँ पर
ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू कॉमन मैन। और मैं यही इसी पे दिशा थ्री पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, और आप जानते हो, इसलिए मैं सबको मिलता हूँ, सभी लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा समय मेरा ज़्यादा जाता है, लेकिन जो जो लोग मुझे मेरे पास आते हैं उनको मैं मिलता हूँ, हमारे अधिकारी मिलते हैं, हमारे लोक प्रतिनिधि को मैं कहता हूँ आप भी मिलिए, क्योंकि जब मिलते हैं तो ही तो उनकी बात जो है वो समझ पाते हैं। और समझने के बाद ही सभी 100% तो काम कोई नहीं कर पाता, ना कर पाएगा, लेकिन कोशिश करना यही आने वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जाते समय वो खुशी खुशी जाता है कि हमारे लिए कोशिश तो हो गई। और यही तो हर सरकार ने, हर प्रशासन ने करने की आवश्यकता है। हम, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, हम इस राज्य में हमारे लोगों के लिए जितना भी कर पाए, अच्छे निर्णय ले पाए। 4-5 महीने में बहुत बड़े बड़े निर्णय हम लोगों ने लिए, लेकिन लोक प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन भी उतनी तेजी से दौड़ना चाहिए, तब जाके बराबरी का काम होता है। और इसलिए हमारे सरकार में लोक प्रतिनिधि और प्रशासन, ये दो विकास के, एक प्रगति के रथ के दो पहिए हैं, और वो दोनों समान तेजी से दौड़ रहे हैं। और इसीलिए 4-5-6 महीने के भीतर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य के प्रगति के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता है ज़रूर मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और सरकार, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी यहाँ आए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 महीने के भीतर इतने तेज़ी से ये सब हो गया। और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, और इसलिए एक शुरुआत अच्छी हुई है, और आगे भी हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे। सभी राज्यों के सभी प्रमुख लोग भी, सभी उनसे भी मेरा निवेदन है कि हम एक दूसरे को, एक दूसरे की आइडिया शेयर करेंगे, क्या हमारे यहाँ होता है, क्या आपके यहाँ नहीं होता है, क्या आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। ये निश्चित रूप से इस परिषद के माध्यम से हमारे को ज्ञात होगा, और इसका फायदा आखिर में क्या है, आखिर में हम सरकार किसके लिए चलाते हैं, सरकार हमारे राज्य के जनता के भलाई के लिए चलाते हैं, उनके लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए चलाते हैं, यही तो हमारा मकसद है। और इसीलिए इस परिषद में हमें सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से ये परिषद 2 दिन की ये कामयाब होगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। आप सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद।